ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 17 सितंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज विश्वकर्मा दिन है, तो सभी भाई बहनों को विश्वकर्मा दिन की ढेर सारी मुबारक है। मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। आज पूरे मुरली आबू मधुबन की महिमा। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? उत्तर, मुख्य बात समझ ले, बाबा ने जो राजयोग सिखाया है वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर के विश्व में शांति स्थापन करते हैं। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ ले, माउंट आबू क्या है? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाएगी और यहाँ भीड़ लग जाएगी। आबू का नाम बाला हो गया तो फिर यहाँ बहुत आएंगे, और आज हम देख रहे हैं लाखों लोग आ रहे हैं और अपना वर्षा ले रहे हैं। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता है, एक दो को आपे ही सिखलाते, मनुष्य मनुष्य को सिखलाता है, और यहाँ स्वयं भगवान सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। रात दिन का फर्क है ना, वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। उस स्कूल में इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत ही मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए। बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में देही अभिमानी आत्माभिमानी जल्दी बनना चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है ऐसे बाबा के भी बच्चे हैं, निश्चय नहीं होता है उनको। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते हैं, बहुत सर्विस भी करते हैं, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। यदि भगवान के ऊपर पूरा निश्चय है तो सेवा भी करेंगे और धारणा भी करेंगे। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो है परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी वो कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना, यह तो तुम बच्चे जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है, बाबा आया हुआ है। कैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तो उन्होंने बताना चाहिए। हम बता सकते हैं विश्व में शांति कब थी और उस शांति का सैंपल ये लक्ष्मी नारायण है। और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो दिलवाड़ा मंदिर को देखो। सभी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं महावीर, और ऊपर में सभी देवी देवताओं का बहुत सुंदर मॉडल है। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने भी ये बैठ यादगार बनाया है, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक है।
बनाने वाले कारागिर को भी आज बाबा विश्वकर्मा उनको मुबारक दे रहे हैं, इतना सुंदर बनाया है। आदि देव को भी बिठाया है और ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य, इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं। पांडव भवन को क्या नाम रखेंगे? चैतन्य दिलवाड़ा। परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य मुंह जाए, यह फिर क्या है? समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भर दर पर पास में बैठे हैं लेकिन बाबा कहते हैं कि समझते कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर पंत है ना, वैष्णव धर्म वाले भी है ना, प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंत है, वैष्णव धर्म वाले भी हैं, वैष्णव धर्म का अर्थ नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है? कहाँ है श्री कृष्ण की बादशाही? वैकुंठ में कहते ना, जानते नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग या वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ भी बुलावा हो, निमंत्रण आवे, वहाँ जाओ, तुम समझाओ। विश्व में शांति कब थी? 5000 साल पहले जब सतयुग था। ये आबू सबसे ऊंचते ऊंचे तीर्थ है क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की उनका सैंपल है सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। जैनी लोग भी बहुत खुश होंगे, जैन टेम्पल है ना दिलवाड़ा मंदिर। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है आदिदेव, तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा कुमार या पता नहीं क्या कहती है। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची? वह स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल आबू में है जिसको कोई मनुष्य नहीं समझते। अब हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो? कभी देखिए विश्व में शांति तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी ही डायनेस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी पति दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम बच्चे जानते हो, आओ बतलाते भी हो। सभी नहीं जानते और न बतलाते, न समझ पाते हैं। यदि कुछ जान लेवे तो अच्छी तरह से औरों को भी हम समझा सकते हैं, जानते नहीं तो क्या समझाएंगे। बात है बहुत सहज, ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है दिलवाड़ा मंदिर की, नीचे आदिदेव बैठा है जिसमें जिसको एडम भी कहते हैं, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर बहुत खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट कहो, तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो परंतु तुम जानते तो कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक थे ना, उसका तो मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, और आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावे। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं, प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया उनका भी चित्र है, अम्बा माता का भी चित्र है। अम्बा को कोई 10 या 20 भुजाएं नहीं हैं, भुजाएं तो दो ही होती है। तुम आओ तो तुमको दिखाएं, वैकुंठ भी आबू में ही दिखाएं। और जब सब माउंट आबू देख करके आते हैं, पांडव भवन सब ब्रह्मा कुमारी इसके जितने भी कॉम्प्लेक्स है, क्या कहते हैं? स्वर्ग में जाकर क्या है, आराम से रहो, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं। हर एक दूसरे को सुख देने का प्रयास करता है, दुख का नाम निशान नहीं।
तो बाबा कहते हैं आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेविन बनाया, सदगति दी। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, सब धर्मों वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो आबू में दिखाए, आबू की महिमा करनी है, तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं भारत का प्राचीन राजा किसने सिखाया, क्या चीज थी, बोलो चलो आबू हम दिखाते हैं क्या है राजयोग। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में, तुम ऐसा नहीं बना सकते हो तो ये अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वो भी आकर के समझे तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे, आबू बहुत ही मशहूर हो जाएगा, भगवान वाच है हो गया है। जब कोई पूछते हैं विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वो जानते हो विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं, मॉडल्स आदि सब दिखाएं, ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़े थे बड़ा तीर्थ स्थान है जिसमें बाबा ने आकर विश्व में शांति सदगति की है। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार है, भल बड़े महारथी है, म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रहती किसको समझाते नहीं, समझाते है वा नहीं, बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं, कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं और क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकते हैं, याद की यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते, बाबा रोज रोज नई बातें समझाते, ऐसे ऐसे समझा करके ले आओ, यहाँ तो यादगार कायम है। बाबा कहते मैं यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है और वैकुंठ भी यहाँ ही है, आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी, आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो जैसे कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य जाकर के वहाँ इकट्ठे रहते हैं, इतनी बदबू गंदगी होती है बात मत पूछो, कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई, ये सब दुख है ना, अकाल मृत्यु होती रहती है, वहाँ तो ऐसे कुछ भी होता नहीं, ये सब बातें समझा सकते हो। बातचीत करने वाला भी बड़ा सेंसिबल चाहिए, अच्छी अच्छी बातें समझा करके उनको ज्ञान सुनाएं। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं बाबा, बुद्धि में बिठा रहे हैं, दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है, वो समझते नई दुनिया का शेयर करने जाते हैं। बाबा कहते यह दुनिया अब पुरानी गई की गई, वो तो कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं, तुम समझाते हो सारा कल्प सिर्फ और सिर्फ 5,000 वर्ष का है, 40,000 का नहीं। पुरानी दुनिया का मौत देखो सामने खड़ा है, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था आधा कल्प जागता था, तुम कुंभकर्ण थे, यह खेल बड़ा ही वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं, कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं, उनको बताते हैं हम शिव बाबा के पास जाते, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस तो वह भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पा। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है, भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख है, यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वह तो भावना का अल्पकाल का सुख का भाड़ा रहे, और यहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा मिलता, बाकी साक्षात्कार आदि कुछ नहीं। कोई कहते साक्षात्कार हो तो बाबा समझ जाते इसको कुछ समझा नहीं है, साक्षात्कार करना है तो जाकर नवधा भक्ति करो, उससे कुछ भी नहीं मिलता, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, ये तो बात ही न्यारी है। इस पुरानी दुनिया ये बदल रही है, बाबा है ही दुनिया बदलने वाला, यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना ये मंदिर है दिलवाड़ा, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते, परंतु वह शोभा तो कम हो जाती है, ये तो सब विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते बच्चे, एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे,
पढ़ाई की बात है, बाकी यह जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया वो कुछ भी है नहीं, न कोई गोप गोपियों का खेल है। यह समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला, तलवार में जौहर ही नहीं होगा तो फिर किसको तीर नहीं लगेगा। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी थोड़ी देरी है, अभी मान ले कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाएगी, परंतु अभी टाइम नहीं। एक बात मुख्य समझ जाए, राजू बाप ने सिखाया था जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है जो अभी सावरा है। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाप समझाते, यह पढ़ाई सौ सौ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं, इसमें पवित्र जरूर बनना चाहिए, देवी गुण भी धारण करने चाहिए। नंबरवार तो होते ही है, जो भी सेंटर से सब नंबरवार है, नंबर वन नहीं नंबर वन है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़े ही है। बोलो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झूठ देखना हो तो चलो आबू माउंट आबू में हम आपको दिखाते हैं, और कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ ऐसे छत में राजाएं दिखाई हो। भल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है, देखा है ना सभी ने, सुंदर है मॉडल। यहाँ तो आदिदेव भी है, सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया ये तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं, जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे तुम लिखो, अभी नहीं। अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते, क्रोधी बहुत होते हैं। सारे अपने ऊपर ये नाम रख रहे ब्रह्मा कुमारी बोल करके, क्रोधी बहुत होते हैं, देहाभिमान है, देही अभिमानी तो कोई हो ही नहीं सकता सिवाय तो बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, पुरुषार्थ ही ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहेंगे तकदीर में जो था। अच्छा मीठे मीठे सीखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोच रहा कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा, सेंसिबल बनना है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जौहर धारण कर, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा में लग जाना है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है, वरदान एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख सेवा मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो, बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना वह सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना भी कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, ये भी सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं तो कोई दिमाग से कहने वाले हैं। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, कौन सी प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है जो दिल से बाबा कहते हैं? पहली बात है खुशी, और दूसरा उनको शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने के समय खुशी होती है, सदा काल के लिए नहीं, इसलिए बाबा कहते दिल से कहो मेरा बाबा तो बाबा हाजिर हो जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। तो ऐसे एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।